नमस्ते, मेरा नाम है हिरणजीत चड्ढा, खोद दूंगा गड्ढा। क्योंकि चूजे के यूपीएससी एग्जाम देने से टाइगर गाड़ी के पहिया चेंज नहीं करता, समझ रहे हो ना। मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद की किरण में होंगे, जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। अभी मैं तुर्की के सबसे ईस्ट में सबसे बड़ा शहर दियारबाकर नामक एक जगह पे आ गया हूँ, जहाँ पे यहाँ के मूल निवासी तुर्क और फिर यहाँ के अपने निवासी कुर्द, यानी दोनों जातियों का मिलन होता है, दोनों भाषाएं बोली जाती है और अपने अलग ही कल्चर और फिर अलग ही भाषा और अलग ही खाने के स्वाद के लिए तुर्की सहित पूरे अरब और फिर पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं एक दिन दियारबाकर सिटी का पूरा टूर करके आप लोगों को उसका दर्शन वैसे ही कराने जा रहा हूँ। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। ये है दियारबाकर की शान, दियारबाकर के लंबे किले की दीवार जो कि पूरे ओल्ड सिटी को सराउंड करती है, और ये पुराने ज़माने में दियारबाकर सिटी और फिर बाहर के जगह को अलग करने का काम करता था। और फिर आज हमारा टूर इसी किले की दीवार के साथ शुरू होता है। इस चश्मे से किले का प्रवेश द्वार शुरू होता है। हालांकि इस किले में इस तरह के बहुत सारे प्रवेश द्वार हैं, ये तो बस उनमें से एक है। और सामने यहाँ के लोकल ब्रेड सीमित बेचने वालों को हम पीछे छोड़ के किले के अंदर आखिरकार प्रवेश कर ही रहे हैं। देखता हूँ भाई किले के बाहर, दीवार के बाहर कौन कौन सी चीज़ें मेरा इंतज़ार कर रही होगी। हाँ, और मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद पता चला कि ये किला जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बड़ा और विशाल है, और कुछ लोग ऊपर भी चढ़ गए। और किले के बाहर का ये हरे घास से भरा मैदान लोगों के पार्क के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ से तुर्की के झंडे के साथ शुरू होकर एक किले की दीवार यहाँ से गुजरते हुए पूरे वहाँ तक, हाँ बेसिकली पूरे शहर को सराउंड करके रखा है। और यहाँ पे कुछ लोग छाए के अंदर बैठ के चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं भी थोड़ा चढ़कर देखूँ इस हरियाली में आखिरकार क्या ही है इस हरियाली के अंदर, जिसने लोगों को अपने नीचे कब्जा करके रखा है। हर टूर की शुरुआत खाने के साथ होता है, अगर टूर में खाना ना रहा है तो वो टूर अधूरा रह जाता है। तो एक नया शहर नए कल्चर में आ गया हूँ, तो नए कल्चर के साथ नया खाना भी ऑर्डर करना बनता है। यहाँ के तुर्की जो कि चिड़िया का नाम है, तुर्की का क्विजिन बड़ा फेमस है। एक छोरबा, दो छोरबे के साथ एक सलाद भी फ्री में आता है, तो ये मैंने काफ़ी ऑर्डर कर लिया। इसका स्वाद भाई, लोग बोलते हैं कि इसका स्वाद एकदम लेजेंडरी है, तो मैं चख के दिखाता हूँ। बहुत सारे लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हम तो कोरियन हैं, हमें स्पाइसी पसंद है। इसके साथ बहुत सारे स्पाइसी और काली मिर्च के साथ अब हमारे स्वाद का पिटारा खुलेगा। देखता हूँ, ऐसा स्वाद मैंने तुर्की के बाकी जगह नहीं चखा। कहते हैं कि तुर्की का ये भोजन सिर्फ इसी एरिया में मिलता है और ये जगह उसी खाने के लिए फेमस है। मैंने एक चम्मच चखा और ये स्वाद मेरे मुंह में बयान कर रहा है कि मेरा चॉइस बिल्कुल भी गलत नहीं है। उस तरफ खाना खा के बाहर निकल गया हूँ। खाने का स्वाद काफ़ी सादा और अच्छा था। और अभी हम सड़क पर उतर आए हैं। ये पहले कारवान सराई है जहाँ पे सेंट्रल एशिया उज़्बेकिस्तान से आने वाले लोग रुका करते थे, अभी होटल में तब्दील हो चुका है। और ये सड़क काफ़ी भीड़ भाड़ और आज के अच्छे मौसम के चलते हमारे जैसे बहुत टूरिस्ट सड़क पर उतर आए हैं। अभी देखता हूँ इस सड़क के आगे क्या क्या देखने वाली चीज़ें मौजूद है। सड़क पे इतना मज़ेदार कबाब कोयले के ऊपर पकाया जा रहा है भाई, आह मेरे कदम रुक गया, लेकिन अफसोस अभी मेरा पेट भरा हुआ है वो तुर्की खाने के बाद। तो चलो इसको शाम या फिर कल ट्राई करते हैं। ये दियारबाकर सिटी का लोकल बाज़ार है, जहाँ पे मसाले से लेकर कॉफ़ी खाने तक तरह तरह की चीज़ें बेची जाती है। और आज तुर्की में छुट्टी का आखिरी दिन है, जिसकी वजह से आप सड़क पर मेरे साइड इतनी भीड़ देख सकते हो। वैसे इस शहर के आकार को देखकर इतनी भीड़ का एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। काफ़ी देर चलने के बाद आज हमारा पहला अट्रैक्शन आ गया, जिसको शेख मंतर मस्जिद कहते हैं।
यहाँ मस्जिद का शैली दूसरे सिटी के तुलना में काफ़ी अलग नज़र आ रहा है, क्योंकि इस दियारबाकर रीजन में मस्जिद के निर्माण में सफ़ेद और ब्लैक पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। और अभी मैं इस दियारबाकर में स्थित काफ़ी पुराने चर्च के अंदर दर्शन के लिए आ चुका हूँ। बाहर से इतना खास नहीं है जितना अंदर का इसका नज़ारा है। ओह, यहाँ पे पहले बहुत क्रिश्चियन लोग भी रहते थे, अभी काफ़ी लोग ग्रीस और सीरिया वगैरह चले गए, लेकिन कुछ क्रिश्चियन का हिस्सा अभी बचा हुआ है और उनके द्वारा निर्मित ये चर्च भी काफ़ी अच्छे हालात में संरक्षित है, आप देख सकते हो। मधुर स्वर में बज रहे इस गीत का मीनिंग तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसकी पवित्रता और अंदर का माहौल ही मुझे इसके अर्थ का एहसास कराने के लिए काफ़ी है। चर्च के परिसर से बाहर निकलते ही यहाँ पे लोगों के चाय और कॉफ़ी पीने के लिए एक छोटे से कैफे जैसे जगह बनाई गई है, जिसे तुर्की के लोगों को हर टाइम चाय और कॉफ़ी पीते हुए बातचीत करना बहुत पसंद है, तो इन्होंने इस जगह को भी नहीं छोड़ा। चलो अब मैं बाहर निकलता हूँ। उस चर्च के अंदर घूम के बाहर के आउटडोर कैफे से बाहर निकलकर एक फव्वारे के मूर्ति वाली औरत ने मेरा स्वागत किया। चलो अब सही में बाहर निकलते हैं। वाह, काफ़ी प्यारी जगह है यार, इतनी उम्मीद नहीं थी लेकिन ये जगह मेरी उम्मीदों पे खड़ी उतर रही है। एक चर्च से बाहर निकलते ही उसके ठीक बगल में एक दूसरा चर्च मिल गया, जो कि आर्मेनियन खिली से, इसका मतलब यह है कि पहले तुर्की में जो आर्मेनिया के लोग रहते थे, जो कि कट्टर क्रिश्चियन हैं, हाँ, उनके द्वारा 13वीं शताब्दी में बनाया गया एक चर्च का परिसर है। जैसे मैं तुर्की तो अभी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, लेकिन इस कंट्री में इतने बड़े तादाद में चर्च के भवनों को देखकर मैं सही में हैरान होता जा रहा हूँ। इस आर्मेनियन चर्च का अंदरूनी हिस्सा कुछ इस तरह दिखता है। अभी थोड़ी देर पहले वाले चर्च में एंट्रेंस फी लिया था, लेकिन ये चर्च फ्री में सबके लिए खुला हुआ है। वाह, इसके निर्माण को लगभग 700 साल से अधिक समय बीत गया, लेकिन इसके ईंट और इसके पत्थर इतने मजबूत हैं ना कि कहते हैं कि पिछले साल के बड़े भूकंप के बाद भी दियारबाकर के बहुत सारे बिल्डिंगों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। बाजार में चलने के बाद एक बड़े मैदान पर आकर रुक गया हूं, जहां पे इतनी बड़ी खुली सी जगह है, जहां पे सारे लोग बैठ के या तो चाय पी रहे हैं या तो सिगरेट पी रहे हैं। वाह, एकदम घूमने वाली फीलिंग अच्छे से आ रही है यहां पे घूमकर। अलग माहौल है, अलग कल्चर है और फिर अलग स्टाइल है। घूमने के फील करवाने के लिए जो चाहिए सब कुछ मौजूद है। उस भीड़ भाड़ शोरगोल वाले मैदान से थोड़े दूर पर ऐसी पुरानी ऐतिहासिक पथरीली सड़क शुरू हो जाती है, जहाँ पे चढ़कर आप हजारों साल पहले के माहौल को ऐसे ही महसूस कर सकते हो जैसे पुराने टाइम पे हुआ करता था। अभी तो देखता हूँ, एक दरवाज़ा आ गया। ये दरवाज़ा कहाँ जाता है? ये ऐसा लगता है कि दियारबाकर का सबसे मशहूर, सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जिसका नाम मैं जानता था लेकिन भूल गया। गूगल में सर्च करने के बाद पता चला कि ये दियारबाकर का ग्रैंड मस्जिद है, जो कि पूरे दियारबाकर सिटी में सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक मस्जिद में से एक है। कहा जाता है कि इस्लाम मुस्लिम लोगों के आने से पहले ये यहाँ के एक बड़े चर्च के रूप में सर्व कर चुका है, और मुसलमानों के आने के बाद क्रिश्चियन लोग चले गए और फिर इस जगह को यहाँ के लोगों की इबादत के लिए मस्जिद में तब्दील कर लिया गया है। आज यहाँ ईद का आखिरी दिन है, तो मस्जिद के अंदर काफ़ी सारे लोग नमाज अदा कर रहे हैं। टूरिस्ट कम, नमाजी ज़्यादा। दोपहर
अपने अंतिम छोर पर है और मैं अभी जिस जगह पर जा रहा हूँ, आज का शायद आखिरी डेस्टिनेशन दियार बाकर के बीचों बीच स्थित हसन खान है। खान का मतलब यह होता है कि पहले जो सिल्क बेचने के लिए उज्बेकिस्तान चाइना से प्रस्थान करके तुर्की के रास्ते यूरोप तक जाते थे, उनको ना बीच में होटल जैसे रहने की जगह चाहिए थी, तो उनके रहने की सुविधा के लिए जिस जगह का निर्माण किया गया है उसको खान बोलते हैं। और ये दियारबाकर में सबसे बड़ा और सबसे मशहूर खान है। हाँ, जैसा नाम वैसी भीड़ भाई, कितनी भीड़ है यार। यहाँ पे लोग चाय कॉफ़ी पीने के लिए आते हैं। चलो मैं भी कुछ चाय या कॉफ़ी पी के उस ज़माने के कारवां लोगों के भावनाओं को समझने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। वाह, आखिर में मन बदल गया, चाय कॉफ़ी की जगह लेमोनेड पीते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है और आज काफ़ी लंबी सैर के बाद शरीर में थोड़ा पसीना भी आ रहा है। तुर्की की गर्मी में अपने शरीर को राहत देने के लिए इस ठंडी लेमोनेड से बढ़िया चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। वाह, इसका निर्माण तो सैकड़ों साल पहले किया गया था और सैकड़ों साल पहले भी आज की तरह यहाँ पे सेंट्रल एशिया से आए व्यापारियों के शोर पूरी तरह से गूंजे होंगे, अपने व्यापार की बात, अपने जनजीवन की बात, ज़िंदगी की बातें जैसे आज के इस टाइम यहाँ पे हो रही है। इतनी सारी दुकानें एक एक विभिन्न चीज़ों से खचाखच भरी हुई है, बस इसका स्ट्रक्चर सैकड़ों सालों तक नहीं बदला। लेमोनेड भी पी लिया, शरीर को राहत भी मिल गई और अब इसका प्यूरा व्यू निहारने के लिए ऊपर आ गया हूँ। बीच में एक फौवारा है जो कि काफ़ी सालों पहले बंद पड़ा हुआ नज़र आ रहा है और लोग अपने में मगन होकर काफ़ी चाय और बातचीत में मसरूफ हैं। पुराना खान भी देख लिया, अब जिस जगह से आज के शहर की शुरुआत की थी उसी जगह पर वापस आ गया हूँ। वहाँ सीढ़ियाँ नज़र आ रही है जहाँ से किले के ऊपर जाया जा सकता है। चलो मैं भी ऊपर चढ़ता हूँ और पूरे दियार बाकर सिटी का नज़ारा कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं इस दियार बाकर किले के ऊपर पहुँच चुका हूँ। कुछ भी बाउंड्री नहीं है जिसकी वजह से काफ़ी ख़तरनाक है। दूर यहाँ के खाली मैदान का पूरा नज़ारा और गाड़ियों की भीड़ और मेरे नीचे बस सीधा खाई। हाँ, हज़ारों साल पहले उस खाली मैदान से कुछ लोग आए जिन्होंने इस जगह को चुना रहने के लिए और यहाँ पर अपने डिफेंस के लिए इस तरह का बड़ा किला बनाया। आज उनके वंशज इस किले के अंदर या बाहर अपने पूर्वजों की याद में हमारे जैसे यात्रियों के स्वागत में अपना गुजारा चला रहे हैं। लेकिन इस शहर का माहौल और इसका पुरानापन मेरे मन को इतना पसंद आ गया कि हाँ, पहले ही दिन मेरे दिल को एक गहरी छाप छोड़ गई। हरियाली से भरे खुले मैदान में बैठकर एक कप चाय के साथ आज की शाम भी ख़त्म होती नज़र आ रही है। देखता हूँ कल के दिन कौन सी चीज़ें, कौन सी मुसीबतें मेरा इंतजार कर रही होंगी। ओह, तो आज का हमारा डिनर मटन कबाब आ चुका है। यहाँ के मटन कबाब की खासियत यह है कि जैसे ही उनको ऑर्डर प्राप्त होता है ना, वैसे ही कोयले पर ताज़े ताज़े पकाया जाता है। कोयले के आँच पर ताज़े ताज़े पकाए गए मटन के स्वाद के बारे में तो कुछ मैं बोल नहीं पाऊँगा, आप खुद यहाँ पे आकर टेस्ट कर लेना। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से नई जगह देखने को मिल गई होगी। मैं वापस आऊँगा मजेदार वीडियो के साथ। तब तक सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीखे को सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।